वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं। 15 into last drawn salary into number of years completed divided by 26। ध्यान रखें कि अपनी last drawn salary में सिर्फ अपनी basic salary और dearness allowance count करें। अब हम फॉर्मूला के अगले भाग को कैलकुलेट करेंगे जो है नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड या कार्यकाल। अगर आपने अपनी कंपनी में 5 साल और 7 महीने काम किया है तो उसको राउंड ऑफ करके 6 साल माना जा सकता है, लेकिन कंपनी छोड़ते समय अगर आपने 5 साल 5 महीने काम किया है तो आपका कार्यकाल सिर्फ 5 साल माना जाएगा। चलिए उदाहरण के तौर पर हम राहुल की ग्रेच्युटी कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने बैंक बाजार में 9 साल 8 महीने काम किया था और उनकी बेसिक सैलरी थी 30,000। अब हम ये नंबर्स फॉर्मूला में डालेंगे। 15 into 30,000 into 10, क्योंकि 9 साल 8 महीने को राउंड ऑफ करके 10 कर सकते हैं, और आप डिवाइडेड बाय 26। जैसे कि आप देख सकते हैं राहुल की ग्रेच्युटी 1,73,000 यानी 1.73 लाख है, और ये अमाउंट कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। क्यों? क्योंकि सरकार ने टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की लिमिट 30 लाख पर रखी है।